ये नागन चुरंगी जो घूमती हुई चुरंगी है ना, उसके नीचे इनका फार्म है। लोग बीवी नहीं संभाल सकते, जानवर कहाँ से संभालेंगे। इसका तकरीबन वजन होगा, ये जिंदा तो होगा तकरीबन 100 किलो 110 किलो, ये होगा 18 मन गोश्त में। ये हम जांगड़ा गॉड फॉर्म पे आए हैं, देखे जानवर चेक करें। बस उनको गले पड़ा हुआ होगा इसलिए दे रहे हैं। सब 65 मन या 63 मन होगा। ये पैसों में 8.5 लाख अभी पूछे हैं, मैं आपको नंबर दे के देता हूँ। मैं तकरीबन 2,35,000 रुपये। ना करो, अल्लाह को मानो ना करो, इतना माशाल्लाह सेहतमंद है इसको। हाँ 2,35,000 बोल रहे हैं, पता नहीं डॉलर बोल रहे हैं। बात सही है, हमने ब्लैक और व्हाइट, ये कितना इसका वजन होगा अंदाजन? तकरीबन ये जिंदा होगा 35 मन। 35 मन ये पू कॉलोनी कैटल फार्म। जांगड़ा गॉड फार्म सही है। ये हम जांगड़ा गॉड फॉर्म पे आए हैं, देखे जानवर चेक करें। बकरा देखें हम, माशाल्लाह। इसको थोड़ा सा चला के दिखाएं। चलो आगे। ये देखें बकरे चेक करो यार, माशाल्लाह। वकार भाई ये बताएं, ये जो खड़ा है सामने ब्लैक और व्हाइट, ये कितना इसका वजन होगा अंदाजन? यार तकरीबन इसका वजन, हाँ बताओ आप। इसका तकरीबन वजन होगा, ये जिंदा तो होगा तकरीबन 100 किलो 110 किलो। मतलब आपका वैसे आसान लफ्जों में वो मन वाला हिसाब बताएं। तकरीबन वजन में होगा ये 1.5 मन होगा तकरीबन। 1.5 मन कीमत में क्या होगा तकरीबन, आपके आइडिया से? कीमत होगी इसकी तकरीबन 2 लाख। 2 लाख रुपए सही है। चलो आगे चलते हैं। बर्बरी है ना ये टेडियों में। ये तो राप गोट फार्म पे हम खड़े हैं अभी। चलो ये शान कैटल फार्म पे हम आए। कहाँ पे? शान कैटल फार्म। वकास भाई ये बताएं, ये जो गोल्डन जानवर खड़ा है इसका कितना वजन होगा आपके अंदाजे? तकरीबन ये जिंदा होगा 35 मन। 35 मन का इसकी कीमत क्या होगी? होगी तकरीबन 40 लाख। नहीं यार 40 तो कम लग रही है मुझे। ये तो हम तो अंदाजा ही लगा सकते हैं ना वो। और ये जो ब्लैक कलर में खड़ा हुआ है, ये इसकी क्या कीमत होगी? ये होगा 55 लाख का। और इसकी वजन में क्या होगा? ये है तकरीबन 65 मन। 65 मन वाह माशाल्लाह से, हम तो अंदाजे ही लगा रहे हैं। हाँ यार मसला ये कि अंदाजे इसमें तो लगा रहे हैं ना, अब यहाँ पे जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, पैसा तो कोई नहीं बताएगा, प्राइस नहीं बता रहे, तो इस वजह से हम अंदाजा लगा रहे हैं। ये भी शान वालों के ही ना ये बकरे हैं। हाँ एक बछड़ा है इसके, 4.5 लाख मांग रहे हैं, नंबर लिख लें। ये चेक करो जानवर माशाल्लाह यार। इसका भी पूछ लेते हैं हम लोग। यार इसका तुम एक पाव देखो सर। यार वकास भाई इसका ये वजन में कितना होगा?
ये होगा 18 मन गोश में। ना करो इतना, माशाल्लाह सेहतमंद है इसको, आपने 18 मन यार इसका कोई तो ख्याल कर बता रहे हैं ना यार। गोश तो अलग वे, फिर वजन हो, खाल तो तकरीबन 10 मन की तो खाल है इसकी, वो पर्ची में निकल जाएगी खाल। हाँ अच्छा, ये पैसों में क्या होगा, क्या मांग रहे हैं इसके? पैसों में 8.5 लाख अभी पूछे हैं, मैं आपको नंबर दे के देता हूँ अभी। ये 35 मन के जानवर के 8 लाख मांग रहे हैं? बस उनको गले पड़ा हुआ होगा इसलिए दे रहे हैं, संभालना इसको मुश्किल है, लोग बीवी नहीं संभाल सकते, जानवर कहाँ से संभालेंगे। अच्छा इसलिए अभी पूछा। उसका नंबर बता दें। नंबर मैं अभी लेता हूँ फिर आपको देता हूँ। चलो ठीक है भाई, आगे चलो फिर। ये जो है ना, हमें हर जगह पे वकास भाई हमें इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अब ये इन्होंने बंदे से कांटेक्ट किया है, उसने इसको पैसे बोले, अब देखो। वकास भाई ये इसका बताएं, ये कितना होगा वजन में? 50 मन। ये होगा 65 मन या 63 मन होगा ये। अच्छा तो उसमें तकरीबन होगा 40 मन तो कहीं नहीं गया इसका। अच्छा अच्छा तो ये इसके क्या पैसे होंगे? इसके पैसे होंगे तकरीबन 2,35,000 रुपये। ना करो अल्लाह को मानो, क्या हो गया यार मेरे, तो ऐसे ही लग रहा है अब, पता नहीं मैं डॉलर बोल रहा हूँ। आपने पूछे इनसे? हाँ 2,35,000 बोल रहा हूँ, पता नहीं डॉलर बोल रहा है। बस यही है, फिर ये बुकिंग कराएं तो इनको, आप इनको बता रहे कौन सा कैटल फार्म है ये जो 2,35 मांग रहे हैं, अभी ऑर्डर करते हैं हम। ये पू कॉलोनी कैटल फार्म। पू कॉलोनी कैटल फार्म, ये कहाँ से आ गया? पू कॉलोनी कैटल फार्म है ये, नागन चुरंगी जो घूमती हुई चुरंगी है ना, उसके नीचे इनका फार्म है, तो आप विजिट कर सकते हैं।